नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इंफोसिस के खराब नंबर्स के बाद सारे मिड कैप आईटी नंबर्स पेश कर रहे थे और एक से एक बढ़कर नंबर आ रहे थे, लेकिन आज दो बड़ी आईटी कंपनीज के नंबर आने थे और मिड कैप के भी आने। तो बड़ी कंपनीज में से विप्रो के बारे में अभी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। विप्रो के क्वार्टर फोर के नंबर्स आ चुके हैं, कैसे रहे हैं नंबर्स, कल कैसा एक्शन हो सकता है और रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस करना था जो कि कर दिया है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रहे हैं नंबर्स, कैसा रहा है बायबैक और इन्वेस्टर्स के लिए कितना बेनिफिट होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी के साथ प्रॉफिट की बात करूं तो 3074 करोड़ पे कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट कराए करंट क्वार्टर के लिए। वहीं अगर मार्केट का एस्टीमेट अगर आप देखें तो बाजार के अनुमान से कमजोर नंबर है। बाजार मान के चल रहा था लगभग 3120 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जिसके सामने कंपनी ने 3075 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कराया। ऑलमोस्ट 45 करोड़ कम रह गया है बाजार के अनुमान से। वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो ये गिरावट है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3085 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो स्लाइटली जंप देखने को मिलेगा आपको, 3053 करोड़ से बढ़कर 3075 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी पोस्ट करते हुए दिखी है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करेंगे आप तो रेवेन्यू में भी गिरावट आपको आते हुए दिख रही है। लगभग 23290 करोड़ के सामने 23190 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रेवेन्यू पेश करा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रेवेन्यू में भी गिरावट आई है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। वहीं ईयर ऑन ईयर बात करें तो 20000 करोड़ से बढ़कर लगभग 23000 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो रेवेन्यू तो आपका साल दर साल बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रहा है। मुझे लग रहा है ये मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। बट एक चीज और थी यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग थी, वो था इसका बायबैक। बायबैक के बारे में ही बात करेंगे लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कंपनी का बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना है। बेसिक अर्निंग पर शेयर अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 5.64 रुपीज से घटकर 5.61 रुपीज पे आ गया, यानी साल दर साल अर्निंग पर शेयर घटा है आपका। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 5.57 रुपीज से घटकर 5.61 रुपीज पे आया, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का सा बढ़ता हुआ दिखा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्की सी गिरावट आपको आते हुए दिखी है अर्निंग पर शेयर में, जो कि आपको क्लियरली दर्शा दिए कि नंबर्स उतने कुछ खास नहीं रहे हैं। अब आते हैं सेकंड थिंग जो कि थी बायबैक। बायबैक को लेकर कंपनी विचार करने वाली थी और कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस कर दिया है दोस्तों, बट बायबैक को देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। क्योंकि यहां मनी कंट्रोल के द्वारा जो चीज मैं पढ़ पा रहा हूं वो ये है कि बायबैक कराए कंपनी ने 26 करोड़ शेयर्स का, प्राइस रखा है 445। अच्छी बात यह है टेंडर रूट से, लेकिन कितने शेयर बायबैक कर रहे हो आप, केवल 26 करोड़ शेयर्स। ये अमाउंट एग्रीगेट करता है 1200 करोड़ का, यानी 1200 करोड़ का कंपनी बायबैक कर रही है और ये बायबैक बहुत छोटा है। मैंने आप सभी के साथ मॉर्निंग में एक प्रीवियस वीडियो शेयर करी थी जो मॉर्निंग में कि हिस्टोरिक बायबैक क्या कहता है। हिस्टोरिक बायबैक ने बायबैक कहता है कि 2017 में कंपनी ने 11000 करोड़ का बायबैक किया था, 2019 में 10500 करोड़ का बायबैक किया था, 2020 में 9500 करोड़ का था और ये 1200 करोड़ का बायबैक, ये तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया मेरे। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है आपका, आपने 1% का भी बायबैक नहीं करा। और मैंने क्लियरली आपके साथ शेयर कर रखा है अगर 2% से छोटा बायबैक हो तो वो बायबैक बिल्कुल बेकार है, उस पर ध्यान ही नहीं देना। तो मेरे को लगता है ये दोनों ही तरीके से नेगेटिव रिएक्शन देना चाहिए, पहला अपने बायबैक को लेकर और दूसरा अपने रिजल्ट्स को लेकर। रिजल्ट्स ने भी डिसअपॉइंट कराया और इमोशंस के साथ खेला गया रिटेल इन्वेस्टर्स की, बायबैक भी बहुत छोटा अनाउंस कराया कंपनी ने। तो दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा मुझे खराब दिख रही है, कुछ मजा नहीं आया, ना नंबर्स में मजा आया ना बायबैक में। अगर बायबैक भी अच्छा होता तो भी स्टॉक एक बार को जंप कर जाता। अब आते हैं आगे की कंपनी कमेंट्री क्या देती है, वो देखने वाली बात होगी। कमेंट्री का मैं वेट कर रहा हूं, अभी तक नहीं आई है। विप्रो के स्टॉक की बात करें तो स्टॉक लग रहा था कि 377-387 तक आएगा, बट जिस हिसाब से ये स्टॉक ने नंबर पेश करे मुझे लग रहा है दोबारा लोअर एंड पे जा सकता है। 352 का इसने लो लगाया है, तो आपके पास हो अगर तो मैं कहूंगा एक स्ट्रिक्ट एसएल रखें आप 370 रुपीज का, उसके नीचे निकले तो प्लीज एग्जिट ले लो। वहीं अगर कुछ उल्टा होता है ऊपर जाता है इनकेस तो 393 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है, वो रेजिस्टेंस को पार होता हुआ मैं नहीं देख रहा हूं। बायबैक अच्छे प्राइस पे अच्छे प्रीमियम पे है, बायबैक का प्रीमियम मुझे बढ़िया लगा, बाकी कुछ बढ़िया नहीं लगा। तो इस कंपनी के नंबर्स को, इस कंपनी के बायबैक को पूरी तरीके से डाउन दूंगा मैं तो थम, तो मतलब बिल्कुल मजा नहीं आया। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो के ऊपर, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।